नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में एक मुद्दा अभी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और पूरे देश में छाया हुआ है, चाहे बात किया जाए सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज चैनल्स पे या फिर न्यूज़पेपर में। इंडिया वर्सेस भारत, ये जो मुद्दा है ये पूरे देश में छाया हुआ है और ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या वाकई में इंडिया का नाम बदलकर भारत होने वाला है या फिर ये बस एक र्यूमर है। पांच सितंबर को टाइम्स नाउ एक न्यूज रिपोर्ट करता है जिसमें यह लिखा जाता है कि इंडिया का नाम बदलकर अब भारत होने वाली है और मोदी गवर्नमेंट जो है वो ये रिजोल्यूशन पास करने वाली है। इसके बाद से बहुत सारे लोग इसके अपोज में आते हैं, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में भी आते हैं। कुछ न्यूज एंकर तो ऐसे भी होते हैं जो पोल तक चला देते हैं कि आपको कौन सा नाम पसंद है। कुछ पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जो यहाँ तक कह देते हैं कि इंडिया शब्द ही अपने आप में एक गाली है जो ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था। कुछ जाने माने देश के हमारे जो भूतपूर्व क्रिकेटर हैं वो यहाँ तक कह देते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम का जो जर्सी है उस पे इंडिया का नाम हटाकर भारत रखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात हो। लेकिन अगर इनके बारे में बात किया जाए तो जब इंडिया का नाम इनके जर्सी से हटाकर ड्रीम इलेवन रखा गया, एक गेमिंग ऐप का नाम रखा गया, तब इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, लेकिन इंडिया और भारत के मुद्दे पे इनका स्टेटमेंट बखूबी आता है। तो चलिए आज समझते हैं कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आर्टिकल में इंडिया के लिए क्या लिखा गया है। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ अ स्टेट। गौर से देखिएगा, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, ये लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश वर्जन में। अब अगर बात किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी वर्जन में तो आइए आपको दिखाता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी वर्जन में क्या लिखा गया है। तो संविधान का अगर हिंदी वर्जन देखना है तो इसके पहली लाइन में लिखा हुआ है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र फर्स्ट भारत अर्थात इंडिया। आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खुद का नाम देखो तो इसके इंग्लिश वर्जन में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और अगर हिंदी वर्जन में आप देखोगे तो लिखा है भारत का संविधान। तो इससे दोस्तों साफ पता चलता है कि वो महान लोग जो हमें आजादी दिलवाए और जो संविधान बनाए उन्होंने हमारे देश के नाम के लिए दो नाम का इस्तेमाल किया, एक इंडिया और दूसरा भारत। जब हिंदी में यूज किया गया तो इसका नाम भारत रखा गया और जब हमारे देश का नाम अंग्रेजी में रखा गया तो इसे इंडिया बोला गया। और ये जो नाम है दोस्तों वो एक दो बार मेंशन नहीं किया गया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आर्टिकल 52 में भी यहाँ पे साफ देखने को आपको मिलेगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम लोग कंट्रोल एफ करके अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ई बुक में अगर सर्च करेंगे पीडीएफ में तो आपको 930 बार से भी ज्यादा आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद से अगर हम लोग गौर करें तो आपको देश में भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन पिनल कोड, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे। इनफैक्ट जिस इसरो ने हमें चांद तक पहुंचाया इसका भी जो फुल फॉर्म है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया जो शब्द है दोस्तों ये एक बहुत ही रिपोर्टेड नाम है और ये बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है, चाहे आप बात करें आईआईटी का, आईएससी का या फिर इसरो का या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इंडियन रेलवे का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो ये नाम जो है ये बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है। हमारा इंडियन पासपोर्ट भी अगर आप देखोगे तो उसके फ्रंट में आपको देखने के लिए साफ मिलेगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया और अगर इसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा भारत गणराज्य। तो इससे साफ समझ में आता है कि जहां जहां हिंदी देवनागरी का इस्तेमाल हुआ वहां पे भारत शब्द का यूज हुआ है और जहां पे अंग्रेजी का इस्तेमाल हुआ वहां पे इंडिया का इस्तेमाल किया गया है।
अब दोस्तों इस तरीके का जो दो नाम है कि एक लैंग्वेज में भारत है और दूसरे लैंग्वेज में इंडिया है, तो ये बहुत ज्यादा यूनिक बात नहीं है, क्योंकि विश्व में और भी ऐसे देश हैं जिनका नाम उनके कंट्री में कुछ और है, उनके लिपि में कुछ और है और अंग्रेजी में उनका नाम कुछ और है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं चाइना का, तो चाइना का जो पूरा विश्व में नाम है, जो पूरे विश्व में चाइना को जानते हैं, वो चाइना के नाम से जानते हैं, लेकिन चाइनीज में इसका नाम है चोंगवो। तो चाइनीज लोग इसे चोंगवो बोलते हैं और पूरा विश्व इसे चाइना के नाम से जानता है, क्योंकि अंग्रेजी में इसका नाम चाइना है। सिमिलरली अगर मैं आपको जापान का एग्जांपल दूं, तो जापान नाम जो है दोस्तों वो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, पूरा विश्व जापान बोलता है, लेकिन जापानीज लोग जो है वो जापान को निपो नाम से बोलते हैं। तो जापान में भी जापान का जो नाम है वो कुछ और है, चाइना में चाइनीज लिपि में उसका नाम कुछ और है। सिमिलरली अगर आप अगर भारत का देखेंगे, तो हिंदी में इसका नाम भारत रखा गया और अंग्रेजी में जो इसे बोला गया वो इंडिया बोला गया। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि किसी कंट्री के भीतर, किसी कंट्री के अंदर उसका नाम उसकी लिपि में कुछ और हो सकता है, और वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेंस है उस कंट्री के नाम का वो डिफरेंट हो सकता है। चलिए अब तक हम लोग ये समझ गए कि एक देश का नाम दो हो सकता है, उस देश के भीतर उसके लिपि में कुछ और नाम, और वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेंस होती है उसके लिए कुछ और नाम होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ा होता है जब एक नाम के अगेंस्ट में आप खड़े होते हैं और एक नाम को लेकर नफरत फैलाना स्टार्ट होता है। जैसे बीजेपी के ही एक लीडर है, उन्होंने यहां तक कह दिया कि इंडिया जो नाम है ये अपने आप में एक गाली है और ये ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था। तो चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि इंडिया जो नाम है ये कितना पुराना है और क्या वाकई में इंडिया जो नाम है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था या नहीं। सच ये है दोस्तों कि इंडिया जो शब्द है, जो इंडिया नाम है, वो भारत के तरह ही कई साल पुराने हैं और इससे ब्रिटिशर्स का दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। ऋग्वेद मंडल 1:35 इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा सप्त सिंधु। इसमें सप्त सिंधु का जिक्र किया गया है, जिसका मतलब है ट्रिब्यूटरीज ऑफ सिंधु रिवर, सिंधु रिवर की 7 ट्रिब्यूटरी नदियां। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस के बुक में भी ये मेंशन किया गया है कि इंडस रिवर में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं और यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं, और इसी बुक में इंडिया और इंडियन को भी मेंशन किया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हेरोडोटस जो है वो किस समय था और ब्रिटिशर जो थे उनका टाइम पीरियड क्या था। तो यहाँ पे जो बीजेपी पॉलिटिशियन का जो स्टेटमेंट है कि इंडिया जो शब्द है वो एक गाली है और ये ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया, तो ये यहाँ पे कहीं से भी सही साबित नहीं होती है, क्योंकि ग्रीक हिस्टोरियन जो हेरोडोटस हैं वो उनके किताब में ही इंडिया का कई एक बार यहाँ पे आपको मेंशन देखने के लिए मिल जाता है। हेरोडोटस के बुक में बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है, देयर आर मेनी इंडियन नेशंस नन स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, some of them are nomads, some not. तो ये जो हेरोडोटस का स्टेटमेंट है ये बहुत ही अच्छी तरीके से इस बात को खारिज करती है कि इंडिया शब्द जो है वो अभी दिया गया है या बहुत पहले दिया गया है, इस चीज को आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरी ओर भारत जो शब्द है वो हमें देखने के लिए मिलता है हमारा जो एपिक है महाभारत, उसमें। तो इंडिया हो या फिर भारत हो, ये दोनों नाम बहुत ही पुराने हैं और बहुत ही पहले से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब भाई हंसी तब आती है जब बिना किसी जानकारी के, बिना सही से नॉलेज को रखे हुए कुछ बड़े बड़े लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जिनका नाम बहुत ज़्यादा चलता है, वो जब ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं कि इंडिया का नाम बदलना चाहिए, इसे भारत कर देना चाहिए, या फिर हमारे जाने माने जो पॉलिटिशियंस हैं उनका ऐसा स्टेटमेंट आता है कि इंडिया सब अपने आप में एक गाली है और ये ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था, तो भैया नॉलेज की कमी है यहाँ पे जिस कारण से ऐसा बात यहाँ पे चल रहा है। अब किस कारण से ये प्रोपेगेंडा चला इंडिया बनाम भारत का, ये एक अलग ही मुद्दा है, ये एक अलग ही डिबेट का टॉपिक बनता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये साफ साफ बता देता हूँ, साफ ये क्लियर करता हूँ कि इंडिया का नाम बदलकर कोई भारत रखने वाला नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आर्टिकल में ही बहुत ही साफ शब्दों में लिखा हुआ है इंडिया डेट इज भारत, और जहाँ पे हिंदी में है वहाँ पे भारत अर्थात
इंडिया। और बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव भी इस बात का खंडन ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये एक र्यूमर है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसके बाद भी देश में ये मुद्दा शांत होने का नाम नहीं लिया लंबे समय तक। तो भाई देश में और भी बहुत सारे जेन्युइन मुद्दे हैं, आप चाहो तो उस पर बात कर सकते हो, लेकिन ये एक बेतुका सा कॉन्ट्रोवर्सी बनाना, एक तरीके का प्रोपोगेंडा बनाना, चाहे रियल टॉपिक को इससे भटकाना हो या फिर अपोजिशन हो, पोजिशन हो, जिसका जो भी रोल हो वो अलग बात है, लेकिन ये एक बेबुनियाद सा टॉपिक है जिसमें पूरा न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर 15-20 दिन तक लगा रहता है कि क्या इंडिया का नाम बदलने वाला है, आपको नाम कौन सा पसंद है, भारत पसंद है या फिर इंडिया पसंद है। तो इस तरीके का न्यूज क्या आज के डेट में हम लोग डिजर्व करते हैं? क्या हमारे देश में टॉपिक की कमी है? क्या प्रॉब्लम की कमी है? क्या उस रियल मुद्दे पे बात नहीं होना चाहिए जो आज आजादी के 70 साल बाद इस टॉपिक पे पोल किया जाता है कि आपको कौन सा नाम पसंद है? तो ये कहीं से भी सही नहीं है। अब ये शुरुआत इसकी क्यों हुई थी, ये एक अलग मुद्दा है, इसको यहाँ पे रहने देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात ये है कि भारत था, भारत है और भारत रहेगा, और इंडिया था, इंडिया है, इंडिया भी रहेगा। तो यही था दोस्तों आज का ये वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।